नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम पद को लेकर के जेडीयू ने बड़ा दावा कर दिया है। नीतीश कुमार को एनडी अलायंस से ऑफर मिला था, ये बड़ा दावा किया गया है जेडीयू की तरफ से। पीएम पद का ऑफर नीतीश कुमार को मिला था। मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह बड़ा दावा किया है, एनडीए के साथ नीतीश रहेंगे। त्यागी ने यह भी कहा है कि पीएम पद का भले ही हमें ऑफर मिला, हमने उस ऑफर को ठुकराया और हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, 5 साल तक एनडीए के साथ रहेंगे, ये केसी त्यागी ने कहा है। नीतीश कुमार ने ऑफर को ठुकरा दिया है। तो देखिए, जब नीतीश कुमार जब संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन भी कर रहे थे, उस वक्त भी कहा कि हम साथ में रहेंगे। पहले आपको केसी त्यागी का बयान सुनाते हैं। हम ऐसी किसी अफवाहों को अब विराम देते हैं। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एक बड़ा दावा जो है वो केसी त्यागी की तरफ से किया गया है कि इंडिया की तरफ से पीएम पद का ऑफर आया नीतीश कुमार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे ठुकरा दिया। साथ ही मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी दावा किया है कि एनडीए के साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए रिजल्ट सामने आने के साथ ही कई जो चर्चाएं थी वो चलने लगी थी, और जाहिर सी बात है कि किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से नीतीश कुमार उभर कर क्या है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, एक बड़ा दावा जो है वो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ये कर रहे हैं कि पीएम पद का ऑफर हमें आया था, नीतीश कुमार ने उसे ठुकराया और हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, यानी कि जोड़ तोड़ की कोशिश हुई। जी हाँ, बिल्कुल, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ भी रही थी कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ऑफर किया गया था, चाहे टीडीपी के ऊपर जोड़े डाले गए थे उसे साधने की कोशिश की गई थी, दूसरी तरफ जेडीयू को भी साधने की कोशिश की गई थी, और यही कारण रहा कि कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक फ्लाइट में जब दिल्ली आए उस वक्त भी जो तस्वीरें वायरल हुई उसको लेकर भी कयास लगाए जाने लगे थे और ये कहा जाने लगा था कि क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद साफ किया गया जेडीयू के नेताओं की तरफ से, उस समय भी केसी त्यागी, संजय झा हो या फिर दूसरे और नेताओं की तरफ से साफ किया गया कि हर हाल में हम साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से सबके सामने कल सेंट्रल हॉल में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हर हाल में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और प्रधानमंत्री के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, उसके बाद किसी भी तरह की कोई अब गुंजाइश नहीं बच जाती है किसी दूसरे अटकलों की। लेकिन केसी त्यागी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब खुलासा किया है कि इस तरह का ऑफर दिया गया था चुनाव परिणाम आने के बाद। तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, यह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो कन्वीनर का पद था उसको लेकर भी कितनी खींचतान हुई थी, और आखिर में जब जाकर के उनको कन्वीनर के पद देने की बात हुई तो नीतीश कुमार ने इनकार किया था। जो इंडिया अलायंस था उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये दिखाने की कोशिश है केसी त्यागी की तरफ से, जेडीयू के नेताओं की तरफ से, कि नीतीश कुमार का इम्पोर्टेंस है और इस कदर इम्पोर्टेंस है कि दूसरे ब्लॉक जो इंडिया ब्लॉक विपक्षी गठबंधन है उसकी तरफ से सबसे टॉप पद को लेकर भी ऑफर किया जा रहा था, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अपने जगह से नहीं हिले हैं, अपने बात पर कायम है। और जो प्री पोल अलायंस था बीजेपी के साथ 1996 से रिश्ता रहा है, भले ही 2 बार आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन जो 1996 से रिश्ता रहा है समता पार्टी का फिर जेडीयू का, उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए और अभी 2024 में प्री पोल अलायंस को ध्यान में रखते हुए हर हाल में नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, इसी पर जोर दे रहे हैं केसी त्यागी। चलिए बिल्कुल अमितेश, आपके पास आएंगे। आनंद अमृतराज भी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा हो जाता है इस लोकसभा चुनाव में भी ये समझ में आता है, और केसी त्यागी ने तो बड़ा दावा कर दिया कि पीएम पद का जो ऑफर है वो हमें दिया गया लेकिन हमने ठुकरा दिया कि हम भाई साथ रहेंगे एनडीए के साथ और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एनडीए खेमे से और क्या खबर, जेडीयू खेमे से क्या खबर है आपके पास? देखिए राहुल, राजनीति में टाइमिंग पर कोई बयान का बेहद खास महत्व हो जाता है, और इस वक्त टाइमिंग देखिए, जब देश में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और कल ही नीतीश कुमार ने पूरी मजबूती से ये दावा किया था कि प्रधानमंत्री के साथ हो, एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, और प्रधानमंत्री को उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप काम कीजिए, पूरी ताकत से हम आपके साथ हैं और खड़े हैं। इसी बीच में केसी त्यागी का ये बयान, यानी कि ये बयान साफ साफ दर्शाता है कि जेडीयू को अभी तक इस बात का मलाल है कि जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उस वक्त
जब इन्हें कन्वेनर बनाने की बात हो रही थी तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने एक तरीके से दबे स्वर में ही लेकिन इनका विरोध किया था, जिसके बाद इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार हट गए। और आज केसी त्यागी ने यह बयान से साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का कद आपके लिए, उनकी अहमियत इंडिया गठबंधन के लिए भले ही कुछ न रही हो, लेकिन आज एनडीए के सरकार बनाने में, तीसरी बार सरकार बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका क्या थी और नीतीश कुमार किस कद के नेता थे। बयान का जो टाइमिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण है। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता हैं और कोई भी बयान देते हैं इसका अर्थ समझिए कि कहीं ना कहीं ऊपर से उन्हें निर्देश मिला है जिसके बाद ही इस तरह का बयान देते हैं। केसी त्यागी का ये बयान देना कि प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर मिल गया, इसका मतलब साफ है कि केसी त्यागी ने इस बयान से साफ कर दिया कि हमें उस तरफ आने के लिए किस लेवल पे ऑफर मिला है। यानी इसका एक अर्थ और भी निकाला जा सकता है कि एनडीए को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार का कद क्या है और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद एक तरीके से ठुकराया है। तो हो सकता है इसके पीछे एक वजह यह भी माना जा सकता है कि जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी तो उस मंत्रिमंडल में जेडीयू की अहमियत को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह मिले, अच्छे विभाग मिले ताकि बिहार का विकास हो। बिल्कुल साफ है राहुल कि केसी त्यागी ने जो बयान दिया उसकी बहुत बड़ी रणनीतिक वजह भी हो सकती है और टाइमिंग का जो खेल माना जाता है राजनीति में कि समय के हिसाब से किसी बयान का अर्थ निकाला जाता है। तो हमारे हिसाब से अगर जेडीयू के नेता ने इस तरह का बयान दिया है तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को न सिर्फ आईना दिखाया है बल्कि एनडीए को भी यह मैसेज देने की कोशिश की है, खासकर बीजेपी को, कि हमारे नेता का कद क्या है और आने वाले समय में जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें उसमें नीतीश कुमार की अहमियत को देखते हुए ही फैसला लिया जाए। तो ये अब कल मंत्रिमंडल का गठन होना है और उस मंत्रिमंडल में जेडीयू को कितनी सीट मिलेगी, क्या कुछ मिलेगी, बहुत कुछ तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ केसी त्यागी के इस बयान के बाद यह तो साफ है कि नीतीश कुमार की अहमियत को जेडीयू ने एक बार फिर से उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की है कि जब भी मंत्रिमंडल गठन हो एनडीए खासकर बीजेपी इस बात को याद रखे कि नीतीश कुमार ने किस पद को ठुकराया। अगर आनंद आपके पास आएंगे, अमितेश के पास एक बार फिर से वापस लौटते हैं। अमितेश, भले ही नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल में दावा कर रहे थे कि अब एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे, लेकिन क्या थोड़ा डर या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी धड़कने तेज बीजेपी की भी होगी कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से, उस ब्लॉक की तरफ से जोड़ तोड़ की कोशिश की गई और ऐसे में नीतीश कुमार को सम्मान दिया जाए, नीतीश कुमार की बातों को माना जाए और इसके लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए? देखिए, बीजेपी का जो आलाकमान है इस बात को बखूबी समझता है। चुनाव परिणाम आने के बाद उसको पता है 2014 में अपने दम पर 280 के पार सीटें मिली थी और 300 के पार मिली थी 2019 में। इस बार 240 सीटें बीजेपी को मिली है जो कि बहुमत से दूर है और चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा है इस बार गठबंधन की सरकार में, एनडीए की सरकार में। इसलिए बीजेपी आलाकमान इस बात को समझता है, ये मोदी सरकार अकेले नहीं है, बीजेपी की सरकार अकेले नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और आपने लगातार जो तमाम नेताओं के बयानों में चुनाव परिणाम आने के देखा होगा बीजेपी की तरफ से किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की तारीफ हो रही है, नीतीश कुमार की भी प्रशंसा हो रही है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार जो विकास। चलिए बिल्कुल अमितेश, तो इस केसी त्यागी के दावे के साथ, बयान के साथ जाहिर सी बात है कि और भी सियासी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आएगी। इस पूरी हलचल पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।